लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC के वर्करों द्वारा एक विश्वव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। इन वर्करों का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्रीय ताकतों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को नीचे गिराया जा रहा है। देखिए, इसको हम इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ होने के नाते हमारे दो मूव होंगे। नंबर एक, इंश्योरेंस सेक्टर को बचाना हमारी प्रायोरिटी है। उसको हमने पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस को बचाना देश हित में इसलिए ज़रूरी है कि देश की डेवलपमेंट में जो पैसा LIC दे रही है वो इतना ज़्यादा इतना ह्यूज है कि कोई भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता, मैच नहीं कर सकता। ये एक तो दूसरा इशू है। दूसरा ये है इशू कि देश के सामने जो इस समय सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि एक समाज के एक वर्ग को समाज के दूसरे वर्ग के साथ साथ लड़ाने की बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है। इससे जो देश की इंटीग्रिटी एंड यूनिटी है उसको भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तो उसके खिलाफ भी हमें एक अपना कंपेन चलाना है। इसलिए हमने ये सोचा है कि इस समय पूरा हिंदुस्तान का ट्रेड यूनियन मूवमेंट एक 8 जनवरी 2020 को पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक हड़ताल करने जा रहा है। पूरा देश का ट्रेड यूनियन मूवमेंट, वर्कर्स, किसान, यूथ, स्टूडेंट्स, वीमेन सारे उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और अपने अपने लेवल पर हमें इंडिपेंडेंटली कन्वेंशन, सेमिनार, ट्रेड यूनियन क्लासेस, ये सारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि जनता को हम ये बता पाएँ कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं वो मुद्दे क्या हैं और हमारे लिए खतरा क्या है। सबके सामने खाली समय हमारा सवाल नहीं है, इस देश के सामने ही बहुत बड़ा खतरा सवाल हो गया है कि देश की यूनिटी इंटीग्रिटी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इसको लेकर के भी हम लोग उसमें चर्चा करेंगे।